हे hey, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैकी बाबू के एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कल का जो कि अधूरा सच था कि आप लोग किस तरीके से खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्रिकेट 19। आप गाइस देखो यार, मैंने आप लोगों को कल जो हमने वीडियो डाला था उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी और मैंने कहा था कि कल पूरी जानकारी दूंगा, यानी कि आज मैं आप लोगों को पूरी बात बताने वाला हूं कि आप लोग कौन से वो दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोग क्रिकेट 19 को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेल सकते हो। अब जो भी एप्पल वाले हैं यानी कि iOS डिवाइसेस वाले हैं तो भाई उनके लिए मुझे नहीं पता कि ट्रिक वर्क करती है नहीं करती है। सो, बाकी जो एंड्रॉयड वाले हैं वो मेरे साथ फॉलो करो और iOS वाले आप ही मेरे चैनल से जुड़े रहो क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके भी क्लियर डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइस चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप लोग जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई क्या PC के गेम्स एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चल जाते हैं, भाई यार देखो इट इज़ वर्किंग। क्योंकि गाइस देखो ये चलता तो है गाइस, मतलब आप लोग अगर यकीन नहीं करते तो गाइस ऐसे बहुत सारे आप शॉर्ट्स से हो चुके हैं आज से ठीक 10 साल पहले अराउंडली कोई भी PC का गेम, कोई भी कंप्यूटर का गेम मोबाइल में वर्क नहीं करता था। बट अब आप लोग साइबर पंक से लेके GTA 5 तक सारे गेम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर खेल सकते हो। बट उनको खेलने के लिए कुछ तरीके होते हैं गाइस। इलीगली काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं, एडवांस लग देते हैं क्रिकेट 19 APK डाउनलोड एंड वहाँ से आके कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर कहते हैं हमारा चल नहीं रहा। गाइस नहीं चलेगा क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो डायरेक्टली यू है रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, डायरेक्टली वो रिलीज़ नहीं हुआ है कि एंड्रॉयड पे खेल सकते हो। होगा जब भी बता देंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। बस वो नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब, उसको दबाकर बेल आइकन को भी दबा लो क्योंकि हम लोग रोज़ आपको सुबह सुबह एक नई वीडियो देते हैं सुबह 9 बजे। सो आप लोग हैप्पी हो जाते हो, 9 से 10 के बीच में आ ही जाती है हमारी वीडियो, तो आप सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो बस देखो, ऐसा आपको कभी भी नहीं लिखना है कोई भी PC गेम खेलना, ये चीज़ सिर्फ क्रिकेट 19 के ऊपर नहीं लगती है, आप लोग और भी गेम्स के ऊपर लगा सकते हो। अब जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा फ्री फायर जैसे कि एक एंड्रॉयड गेम है बट वो PC के लिए रिलीज़ हुआ, अब तो तुम लोग सोच ही रखते हो फ्री फायर मैक्स आएगा तो वो भी तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर है। तो क्रिकेट 19 को गाइस काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं प्ले स्टोर पे, भाई मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो कोई न्यूज़ भी नहीं है कि वो बनेगा, ठीक है समझ रहे हो तुम लोग। एंड अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों को खेलना कैसे। देखो दो तरीके और ये लीगल तरीके हैं, इलीगल नहीं है कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट के बैन तरीके नहीं है, बिल्कुल अप्लाई तरीके हैं, और भी लोग खेलते हैं तुम भी खेल सकते हो, बट इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। चलो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहला है गाइस PSPP। अब गाइस देखो PSPP एक एम्यूलेटर है, एम्यूलेटर मतलब कि जैसे कि PC में हमारा गेम जो होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में चलाने के लिए आप लोगों को PSPP डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप का साइज़ अराउंड मुझे लगता है ज़्यादा ही नहीं होगा, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा, MB के अंदर भी मिल सकता है, क्या पता है 10 MB के भी नीचे मिल जाए। सो आपको इसको डाउनलोड कर लेना। इसका एक और वर्जन है गोल्ड का, आपको करना तो वो कर लो। फिर आपको करना क्या होगा, इसकी एक वेबसाइट भी रहती है, अगर आप चाहो पूरा वीडियो मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा कल अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो PSPP के ऊपर, वहाँ से आप लोगों को क्रिकेट 19 को इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा इस ऐप के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर नहीं। एक बार फिर से सुन लो, फ़ोन के अंदर ये नहीं चलते हैं क्योंकि इनको 6 GB रैम चाहिए होती है रन करने के लिए, क्योंकि PC में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। बट PSPP के अंदर आपको उस ऐप के अंदर अपना गेम इंस्टॉल करना होगा। अब वो इंस्टॉलेशन क्या होगी वो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा। आप लोग इस कमेंट और लाइक दिल खोल के करो, कमेंट में आप बता देना PSPP वाला तरीका आपको करना है या नहीं। दूसरा तरीका होता है कि क्लाउड गेमिंग। अब ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, गेम चलेगा तो किसी और के सर्वर पर तुम कंट्रोल यहाँ करोगे और खेलोगे, तुमको बिल्कुल नहीं लगने वाला कि तुम एक लोकल गेम खेल रहे हो। अब देखोगे कुछ दिन पहले ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, लाइक फ्री फायर तुमने देखा है गूगल प्ले स्टोर पर अगर तुम फ्री फायर सर्च करते हो तो वहाँ इंस्टेंट प्ले का ऑप्शन आता है, जबकि तुम्हारे फ़ोन में वो इंस्टॉल नहीं हुआ होता है पर फिर भी इंस्टेंट प्ले करके तुम उसको थोड़ा सा ट्रायल खेल सकते हो। ऐसे ही तुम लोग पूरा गेम खेल सकते हो क्लाउड गेमिंग के ऊपर। बट गाइस क्लाउड गेमिंग के ऊपर तुमको क्रिकेट 19 ढूंढना बहुत देर में मिल सकता है अगर तुम चाहो तो, मैं एक इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा अगर आप तुम कहते हो तो। एंड वहाँ से तुम लोगों को कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा फ्री में। गाइस आप लोग अगर मोड की बात करो फ्री की, वो भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊँगा जिस वीडियो के अंदर आप लोग कहोगे क्लाउड गेमिंग। तो अब तरीके आपके हाथ में, आप चाहो तो PSPP वाला तरीका या फिर क्लाउड गेमिंग, दोनों में से कोई भी तरीका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कल उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी स्क्रीन पर समझाऊँगा अपने फ़ोन के ऊपर। अभी आप लोग ये सुन लो कि क्रिकेट 19 वैसे तो रिलीज़ नहीं हुआ है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, ना ही मुझे लगता है अभी होगा हाल फिलहाल में, बट इन दो तरीके से आप लोग खेल सकते हो। कैसे खेलना है वो आप लोगों को ही चूज़ करना है, क्लाउड गेमिंग या फिर PSPP, दोनों में ज़्यादा कुछ कंबाइन है नहीं क्योंकि दोनों ही सर्वर पर चलते हैं, बट
काफ़ी ज़्यादा सही ट्रिक हैं दोनों, अगर तुम लोग यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बता देना कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।